हेलो फ्रेंड्स, आप लोग धुसका कचौड़ी पूड़ी ये सब तो खाते ही होंगे, तो एक बार ये सब्जी के साथ खा के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं और क्या क्या लिए हैं दिखाते हैं। तो सबसे पहले काबुल चना और आलू लेना है और ये दोनों को पका लेना है और आलू को छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लेना है। और लेना है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरा मिर्चा। और टमाटर को और प्याज को छोटा छोटा काट लेना है और लहसुन, अदरक और हरा मिर्चा को कूट लेना है, या आप लोग पेस्ट भी बना सकते हैं। और धनिया पत्ता लेना है और इसको छोटा छोटा काट लेना है। और देखिए मसाला में लिए हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्चा पाउडर और गरम मसाला। और आप लोग जितना बनाइएगा उसी के हिसाब से मसाला ले लीजिएगा। और एक चम्मच जैसा कसूरी मेथी लेना है, इसको डालने से होटल जैसा स्वाद आता है। अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप लोग इसकी भी कर सकते हैं। अब देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें 5 फोड़न डाल देना है और एक सूखा मिर्चा को तोड़ के डाल देना है और एक तेज़पत्ता डाल देना है। जब ये अच्छा से फ्राई हो जाए तो प्याज को डाल देना है, वो जो लहसुन अदरक को कूट के रखे थे उसको भी डाल देना है। अब ये सबको अच्छा से भून लेना है। जब ये अच्छा से भुना जाए तब टमाटर को डाल देना है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है ताकि टमाटर अच्छा से गल जाए। अब टमाटर को अच्छा से भून लेना है। अब देखिए टमाटर अच्छा से भुना गया है, अब जो मसाला लिए थे उसको डाल देना है। अब मसाला में थोड़ा सा पानी डाल देना है और अच्छा से भून लेना है। देखिए जब मसाला अच्छा से भुना जाए, तेल अलग होने लगे, तो कसूरी मेथी को डाल देना है और मिला लेना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और आलू और चना को 5 मिनट अच्छा से भून लेना है। जब ये अच्छा से भुना जाए तब धनिया पत्ता को डाल देना है। धनिया पत्ता डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें पानी डाल देना है और देखिए जितना आप लोग ग्रेवी रखिएगा उसी के हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। अब इसको ढक के 5 मिनट पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, गरमागरम काबुली चना का सब्जी बनकर तैयार है। तो आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से ये सब्जी बनाइए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले रेसिपी में।